उसी प्रतिमा के साथ माँ मीरा ने फेरे लिए थे। हाँ गाइस, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त भरत, और आप ये जो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पे बचपन में मीरा भाई ने भक्ति की थी, और इसकी जो मूर्ति है वो अभी वही मूर्ति है जो मीरा भाई ने पूजा की थी। चलिए चलते हैं अंदर। मीराबाई का मंदिर नागौर जिले के मिर्ता सिटी में स्थित है। इस मंदिर का नियर बाय रेलवे स्टेशन मिर्ता सिटी। मिर्ता रोड जंक्शन से मीराबाई का मंदिर का डिस्टेंस लगभग 16 किलोमीटर है। मीराबाई मंदिर मेन मिर्ता सिटी में है। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। जूते आप यहाँ पे उतार लीजिए नीचे ही। मीराबाई मंदिर के दो मुख्य द्वार हैं। गाइस ये जो आप पूरा पीछे देख रहे हो, ये है पूरा मंदिर का परिसर। ये वही चौक है जहां मीराबाई कभी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में नाचा करती थी। जस्ट पीछे में ये मीराबाई का मूर्ति। और इसके जस्ट सामने चार विद्यानाथ की मंदिर मूर्ति देखिए, जस्ट सामने। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको ऐसा लगेगा मानो आप वृंदावन धाम पहुंच गए हैं। इस मंदिर का निर्माण मीराबाई के दादाजी राव दुजाजी ने करवाया था। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर की डिजाइन देख लीजिए आप। मंदिर की छतों, दीवारों और पिलरों पर कांच की नक्काशी जड़ी हुई है। मुख्य मंदिर में आते ही दाएं हाथ में आपको भगवान शिव के परिवार का मंदिर मिलेगा। थोड़ा आगे चलने पर सीताराम व लक्ष्मण जी का मंदिर मिलेगा। थोड़ी मंदिर में भीड़ है। अब चलते हैं श्री चारभुजानाथ जी मंदिर। मंदिर की छतों की कारीगरी मन मोह लेने वाली है। श्री चारभुजानाथ जी को सबसे पहले भोग रामदीन जी मोची के परिवार के सदस्य लगाते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में भक्त शिरोमणि मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण से विवाह किया था। सो गाइस, अब मिलते हैं हम मंदिर के पुजारी जी से और जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। सबसे पहले महाराज जी, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। मैं बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। मेहता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और वंशानुगत यहाँ पर श्री चारभुजानाथ मंदिर में हम पुजारी हैं। और हमारा जो पुजारी परिवार है वो जो हमारा वंशज है वही यहाँ पर निरंतर काल से पूजा करते हुए आ रहा है, और मैं भी उसी परिवार से संबंध रखता हूँ। तो महाराज जी, मैं इस मंदिर का थोड़ा इतिहास जानना चाहता हूँ। जी, आप जिस पावन धरा पे खड़े हैं या जिस पावन धरा पे आप पहुँचे हैं उसको मीरा नगरी कहा जाता है, और मीरा नगरी के अंदर मीराबाई का यह सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ है। यहाँ विश्वविख्यात श्री चारभुजानाथ जी का मंदिर है, और यहाँ श्री चारभुजानाथ जी का चार भुजाधारी विग्रह स्थापित है। ये विग्रह यहाँ पे स्टैचू या कोई मूर्ति नहीं है, यह जीवांत रूप में यहाँ है, और ये मूर्ति यहाँ पे
खुदाई में निकली थी। अच्छा, चार प्राकृतिक है, नेचुरल है, हर चीज स्टैचू नहीं है, किसी मूर्तिकार ने इसको बनाया नहीं है। यहाँ पे जिस वक्त 550 वर्ष पुराना इतिहास है मंदिर का, 550 वर्ष हो गए हैं मंदिर इतिहास में, हम बात करते हैं मीराबाई से की, ठीक है। तो मीराबाई के दादाजी थे राव दूदा जी। राव दूदा जी का जिस वक्त यहाँ पे राज था, तकरीबन 550 वर्ष पहले यहाँ पे राव दूदा जी का राज होता था। राव दूदा जी के दो पुत्र थे, जिसमें से छोटे पुत्र रतन सिंह जी थे। रतन सिंह जी की मीराबाई है वो पुत्री है। उनका जन्म मेड़ता सिटी में हुआ, यहाँ पास ही में मीराबाई का जो महल है, राव दूदा जी का राव दूदा गढ़ बना हुआ है। अभी 2009 में लमसम ये पुरातत्व विभाग और देवस्थान और पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ इसको म्यूजियम बना दिया गया था वसुंधरा जी की सरकार में। और यहाँ लाखों लोग म्यूजियम में दर्शन करने आते हैं और मीराबाई का जो इतिहास है उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। जिस वक्त राव दूदा जी का यहाँ पे शासन काल था, अच्छा। उस वक्त यहाँ जिस परिसर में अभी अपन खड़े हैं, हाँ। उस वो परिसर एक बाड़ा हुआ करता था। उस बाड़े के अंदर जिनगर मोची की गाय, अच्छा, जिनगर मोची जी की गाय थी। वो गाय यहाँ चारा चढ़ने आती थी और चारा चढ़ती थी और यहीं वो घूमती थी, अच्छा। जिस जगह से चारभुजनाथ जी का चौभुजाधारी विग्रह है, हाँ। उसी जगह वो गाय आती थी और अपने स्तन से दूध गिराती थी और अपने आप दूध गिराती, अच्छा। थी और दूध गिरता था और वापस जब घर पे जाती थी तो उतना का उतना ही दूध निकल जाता था। मोची जिनकी गाय थी, मोची जी की, रामधन जिनगर मोची जी की, तो उन्होंने थोड़े टाइम बाद ये चीज़ नोटिस की कि मेरी जो गाय है, मेरी जो धेनु है, वो अपने स्तन से यहाँ पे आ रही है और दूध गिरा रही है और घर पे उतना का उतना दूध वापस हो रहा है, ये क्या है। तो उन्होंने जाके अपने महाराज जी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो तो महाराज जी ने कहा कि तो भाई क्या करें, तो कहा इच्छा जाहिर हुई कि यहाँ पर खुदाई कराएँ। खुदाई कराई तो चारभुजनाथ जी की, विष्णु भगवान की ये प्रतिमा यहाँ प्रकट हुई, मतलब निकली जमीन में से। तो उस वक्त राव दूदा जी ने यहाँ पे से चारभुजा चमत्कार मान के उनके स्वप्न में आए चारभुजनाथ जी के, भाई तू मेरा अच्छा मंदिर बनवा, अच्छा। तो चारभुजनाथ जी का राव दूदा जी ने मंदिर बनवा दिया। मंदिर बनवाया, इतना भव्य मंदिर हो गया तैयार। उसकी सेवा है जो कालू राम जी, जो हमारे परम पूजनीय दादाजी श्री कालू राम जी थे, उनको इसकी सेवा सौंप दी। और उस वक्त से लेकर आज दिन तक कालू राम जी के हम वंशज, हम कालू राम जी का परिवार, हम पीढ़ी दर पीढ़ी हम यहाँ पर सेवा पूजा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उसके बाद में यहाँ क्या होता है साहब, प्रतिवर्ष श्रावण मास की छठ, अच्छा। हाँ, श्रावण मास की उतरते श्रावण मास की छठ से लेकर 13 तक मीरा महोत्सव मनाया जाता है और बड़ा ऐतिहासिक मीरा महोत्सव होता है। मीरा महोत्सव इस बार हम 519वां मीरा जन्म जयंती महोत्सव मनाएंगे, जिसमें दुनिया भर से पर्यटन, दुनिया भर से जो भक्त लोग हैं वो श्री चारभुजनाथ एवं मीराबाई के दर्शन करने यहाँ पे आते हैं। और यहाँ 24 घंटे श्री चारभुजनाथ की रजत रेवाड़ी है, उसके सामने 24 घंटे अखंड हरि कीर्तन होता है, जिसमें एक मिनट भी रुकते नहीं है, भजन कीर्तन खड़े होकर करते हैं। मतलब राजस्थान का वृंदावन कह सकते हैं, राजस्थान का वृंदावन भी है और वृंदावन से कुछ कम भी नहीं है। जैसा आप अभी देख रहे हैं, ये जयपुर से भक्त लोग आए हुए हैं, ये आज मीरा चरित्र की कथा, यहाँ पे मीरा चरित्र की कथा का वाचन करेंगे और बहुत ही भव्य वाचन होने वाला है। और महाराज जी, मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने सुना है कि जो अभी प्रभु जी की मूर्ति स्थापित है यहाँ पे, मतलब मीराबाई इसी मूर्ति से पूजा करते थे। जी बिल्कुल, जो महाराज जी को, जो माँ मीरा को जो मूर्ति चारभुजा ना, जो अष्टभुजा की श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति, उनके गुरुवर ने जो भेंट करी थी, वो मूर्ति चारभुजनाथ जी के जस्ट लेफ्ट साइड में अष्टभुजा की विग्रह है, भगवान श्री कृष्ण भगवान का नटराज रूप है, उसी को माँ मीरा अपने पास रखती थी, सेवा पूजा करती थी, उसी प्रतिमा के साथ माँ मीरा ने फेरे लिए थे, हाँ। और उन्हीं को उन्होंने पति माना था, पति रूप में ही उनको पूजा अर्चना की उन्होंने। श्री कृष्ण भगवान का अष्टभुजाधारी विग्रह जो नटराज रूप में है, उसकी पूजा अर्चना हमारे
हमारे परिवार के द्वारा से हमेशा दिन प्रतिदिन की जाती है, उसकी सेवा चाकरी की जाती है और वो आज भी हमारे से चारू जगन्नाथ मंदिर में स्थापित है। और मीराबाई बचपन में यहीं पे आके पूजा प्रार्थना करते थे? मीराबाई का बाल्यकाल यहाँ मेड़ता सिटी में इसी जगह पे हुआ है। अच्छा। मतलब इसी जगह पे वो खेले, इसी जगह, इसी पवन धरा पे। हाँ। कहते हैं ना मीरा मेड़तनी, तो इसी जगह, ये चौक परिसर, इसी चौक परिसर में मीरा नाची थी। हाँ। समय काल परिस्थिति का पहराव है। हाँ। 550 वर्ष पुराना टाइम था जब मीराबाई यहाँ उन्होंने नृत्य किया था और आज उनको मानने वाले, उनको पूजने वाले जो भक्तगण है वो यहाँ पे आके श्रद्धा से मीरा के जैसे ही झूमते हैं और नाचते हैं। 70-80 वर्ष हो गए हैं, पहले यहाँ मीराबाई की प्रतिमा स्थापित नहीं थी। अभी 70-80 वर्ष पहले ही यहाँ पे माँ मीरा की प्रतिमा है जो विस्तारित रूप से स्थापित की गई और जो दूर दराज से जो भक्तगण आ रहे हैं वो माँ मीरा के भी दर्शन कर रहे हैं। जिस कारीगर ने माँ मीरा की प्रतिमा बनाई उसको तकरीबन जो समय लगा मूर्ति बनाने में, उन्होंने कुछ खाया ना पिया, सिर्फ दूध पे रह के उन्होंने मूर्ति बनाई थी। यहाँ पास में भंडारी बिल्डिंग है, यहाँ पे उन्होंने ये प्रतिमा बनाई और बड़ा भव्य रूप से जब मीराबाई की प्रतिमा स्थापित की गई तो अच्छे कार्यक्रम यहाँ हुए थे। तो मैं महाराज जी का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद आपका पधारे और चारभुजनाथ। धन्यवाद। जैसे चारभुजनाथ के मंदिर के जस्ट सामने आपको चारभुजनाथ धर्मशाला मिल जाएगी, जिसका चार्ज 100 रुपये नॉन एसी रूम है और 300 रुपये एसी रूम है। सो गाइस, मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे मीराबाई स्मारक, तो चलते हैं। मीराबाई स्मारक आप मंदिर के अंदर से ही एक गेट निकलता है और ये गेट आप जो कि मेरे पीछे देख रहे हो,